Fairy tale is a story intended for children, often involving some fanciful creature or extraordinary adventure. The Happy Prince at first level is an imaginary fairy tale. There is frequent use of personification narration is widened and simple repetitive pattern is used. परियों की कहानी एक ऐसी कहानी है जो बच्चों के लिए बनाई गई है जिसमें अक्सर कोई ख्याली मखलूक या गैर मामूली मुहिम जोई शामिल होती है। पहली सतह पर हैप्पी प्रिंस एक ख्याली परियों की कहानी है। शख्सियत साजी का अक्सर इस्तेमाल हुआ है। बयान वाज़े और सादा है। बार बार पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। An allegory is a story with two meanings, a literal meaning and a symbolic meaning. It is a wonderful allegory typical of 19th century English fiction. Moral transformation of the individual is mandatory rather than a radical shake-up of the political system. The prince and the bird help the needy people. Bird society does not change. एलिगोरी मीन्स एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर कोई सैम्बल या कोई पोएम या कोई स्टोरी जो है वो अपने अंदर एक हिडन मीनिंग्स रखती हो, छुपे हुए मैनी। एक ऐसी कहानी है जिसके दो मैनी होते हैं, या तो लफ्जी मैनी होता है या फिर कोई अलामती मैनी। और ये 19th सेंचुरी के अंग्रेज़ी अफसानों की एक शानदार तमसील है। फ़र्द की अखलाकी तब्दीली, सियासी निज़ाम की बुनियाद परस्त तब्दीली इसकी बजाय लाजमी है। शहजादा और परिंदा ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं लेकिन माशरा चेंज नहीं होता। लेट्स डू दिस एक्टिविटी। राइट टू पॉसिबल मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। स्पॉइल मीन ख़राब करना, शैबी मीन खस्ता हाल, प्रीशियस मीन कीमती, प्रेस मीन तारीफ, रैप्ड मीन लपेट। लेट्स डू दिस एक्टिविटी नंबर टू। वन एक्शन कॉज कैन मेक समथिंग एल्स हैपन इफेक्ट। फिल इन द मिसिंग सेक्शन ऑफ दिस टेबल। आपके पास एक टेबल गिवन है जिसमें एक साइड पर आपके पास कॉज है और दूसरी साइड पर आपके पास इफेक्ट गिवन है। कॉज में आपके पास है फ्लाइंग बैक टू जॉइन द रेस्ट ऑफ हिज फ्लॉक, अ टायर्ड स्वेलो नीडेड अ रोस्ट फॉर द नाइट। यानी कि जो थका हुआ परिंदा है वो आराम करना चाहता है रात के टाइम, तो अपने फ्लॉक में से यानी कि परिंदों का जो झुंड होता है उसमें से वो अलग हो जाता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, इवेंचुअली ही मेट द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो वो आखिरकार हैप्पी प्रिंस से मिलता है, उसके स्टैचू से मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस आइज फिल विद टीयर्स, के हैप्पी प्रिंस की जो आइज हैं वो आंसुओं से क्यों भरी हुई है। दे वर सफरिंग फॉर द पुअर पीपल ऑफ हिज टाउन अनलाइक हिम विच ही कुड नॉट सॉल्व देन एज ही वॉज स्टैचू, कि वो अपने कंट्री के जो गरीब लोग हैं उनकी मदद नहीं कर पाता और उनके प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाता और वो इसी तरह मर जाता है। अगर आप असाइनमेंट सॉल्यूशन फाइल चाहते हैं तो मेरे एफबी पेज पर विजिट करें या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स में छोड़ दें। सेम डेट पर मैं उसकी वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी और आप अपना असाइनमेंट आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।